अस्सलाम वालेकुम, शफीक लब जायका में आप सभी का वेलकम है। आज हम बनाएंगे बनाना पैनकेक। इसके लिए हमने ये बनाना लिया है, एकदम फ्रेश है, दूध है और ये देसी घी है और इधर बेकिंग पाउडर है, 2 पिंच सॉल्ट है, 1 कटोरी हमने शुगर ली है और ये पॉपी सीड्स है, पोस्ते का दाना ये भी जाएगा, वेनिला एसेंस है, रिफाइंड ऑयल और 1 हमने एग लिया है। और इधर हमने बड़े वाले कप से 1.5 कप मैदा लिया है, छान के को हमने छान लिया है। और इधर हमने एक बाउल लिया है, इसमें हम जो हमने ऑयल लिया है इसको डाल देंगे। ये शुगर लिए इसको भी डाल देते हैं और अच्छे से इसको सेक लेंगे, सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें एग डालेंगे, सॉल्ट डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा दूध डालते हैं, वेनिला एसेंस है इसको भी डाल देंगे, आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, इसका फ्लेवर अच्छा आता है और एक पीस में चली जाती है। और ये हमने बेकिंग पाउडर लिया है, बेकिंग पाउडर है ये 1/2 टीस्पून, इसको डाल देंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम मैदा है थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते रहेंगे, चलाते रहेंगे। हमने सारा मैदा डाल दिया है, अभी ये बहुत ठीक है तो इसमें हम दूध डाल के इसका एक बैटर रेडी कर लेते हैं। और ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी भी ये इसकी कंसिस्टेंसी रनी नहीं है, इसकी कंसिस्टेंसी रनी होनी चाहिए। थोड़ा सा दूध और डालते हैं, फिर से अच्छे से मिक्स करते हैं। आप अंदाज से दूध डालते जाइए, जब रनी कंसिस्टेंसी हो जाए तो बस फिर आप इसको ढक के रख दीजिए 1/2 घंटे के लिए। ये देखिए ये रेडी हो गया है, ये लगातार गिरता जा रहा है, इसी तरह से हमें चाहिए। बस अब हम इसको ढक के 15 से 20 मिनट तक आप रेस्ट के लिए रख दीजिए। और इधर बनाना को हम 20 से आधा आधा कट कर लेंगे। 20 मिनट हो गए हैं, ये देखिए इसमें अच्छे से बुलबुले नज़र आ रहे हैं। हमने बनाना को 1/2 कट कर लिया है, 20 से आधा कर लिया है। इधर हमने पैन गरम कर लिया है, इसमें हम हल्का हल्का सा बटर या देसी घी लगा देंगे। हल्का हल्का सा लगाना है, इसमें थोड़ा सा शुगर डाल देंगे। अब
पोस्ते का दाना जो हमने लिया था पॉपी सीड्स हल्का हल्का सा, उसको भी डाल देते हैं। और बस सारा बैटर हम डाल देंगे पैन में। सबसे पहले हम बनाना को सेट कर लेंगे। इसी तरह से सारा लगा देंगे। ये देखिए हमने सारे बनाने को सेट कर लिया है। अब इसमें सारा बैटर धीरे धीरे करके डाल देंगे। अच्छे से बनाना कोट हो जाए। ये देखिए हमने सारा बैटर डाल दिया पैन में। अब इसको 20 से 25 30 मिनट तक धीमी आंच पर बंद करके रखते हैं। और ये देखिए, देखते हैं खोल के इसको और चेक करते हैं। ये देखिए एकदम क्लीन आया है, ये हो गया है। अब इसको हम पलट लेंगे। और ये देखिए हमने थोड़ा सा बटर और पोस्ते का दाना ऊपर से डाल दिया है। थोड़ा सा डार्क हो गया है ये। आप लोग एकदम लो फ्लेम पर रखना। और हमने पैन में फिर से देसी घी लगा दिया है और इसको पलट के 5 मिनट और सेकते हैं। देखिए हमने रख दिया है पलट के भी, और 5 मिनट इसको नीचे से भी सेकने देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, दूसरी तरफ से भी सेकते हुए फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको बाहर निकाल लेते हैं। और ये देखिए केक हमारा पैन केक रेडी है, बनाना पैन केक। इसको हम कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने कट कर लिया है इसको। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन बन के ये रेडी हुआ है। ये देखिए आप लोग भी बनाइए और हमको बताइए कि आपने भी बनाया है। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।